नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में 12 वृहद आश्रय गृह तैयार, पढ़ेंगे भूले भटके बेसहारा बच्चे। सब इंस्पेक्टर के 1288 पदों पर भर्ती के लिए आया लेटेस्ट अपडेट। दरभंगा सहित देश के कई शहरों में आईटी की रेड। 2000 रुपए के नोट का काउंटडाउन शुरू। वीरेंद्र सहवाग ने की शुभमन गिल की आलोचना। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 12 वृहद आश्रय गृह तैयार, पढ़ेंगे भूले भटके बेसहारा बच्चे। बिहार के जिलों के भूले भटके बच्चे पढ़ सके और भविष्य में कुछ बन सके, इसको लेकर बिहार सरकार की ओर से एक पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बिहार के 12 जिलों में 12 वृहद आश्रय गृह तैयार किए गए हैं। इस वृहद आश्रय गृह में बालक गृह, बालिका गृह, कर्मचारी आवास, प्रशासनिक भवन, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, डिजिटल सेंटर, अवेयरनेस सेंटर, मेडिकल रूम तथा इम्यूनाइजेशन रूम की भी व्यवस्था की गई है। इनमें बिहार के 38 जिलों के बच्चों को रखा जाएगा और इनकी शिक्षा बिहार विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड यानी कि बीबोस के केंद्र से कराई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के जिन 12 जिलों में वृहद आश्रय गृह बनाए गए हैं, उनमें कटिहार, कैमूर, पटना, भागलपुर, जमुई, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, औरंगाबाद, नवादा, दरभंगा और सुपौल है। इनके संचालन की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग की ओर से की जाएगी। सब इंस्पेक्टर के 1288 पदों पर भर्ती के लिए आया लेटेस्ट अपडेट। अगर आप भी बिहार सरकार की ओर से निकाले जाने वाले सब इंस्पेक्टर के 1288 पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इसके लिए बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भर्ती से जुड़ी जानकारी भेजी जाएगी और फिर इसके बाद बिहार पुलिस विभाग के द्वारा इसकी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसके लिए अधिसूचना अक्टूबर के शुरुआत में जारी किया जा सकता है। वहीं नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बीपीएसएससी की ओर से वेबसाइट पर आवेदन तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। बिहार के इस हॉस्पिटल में मरीजों को मिलेगी मुफ्त दवाएं, रजिस्ट्रेशन व बेड। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा घोषणा करते हुए कहा गया है कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित IGIMS में बहुत जल्दी मरीजों को मुफ्त दवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा मरीजों को पंजीकरण और बेड का भी शुल्क नहीं देना होगा। बता दें कि उन्होंने बताया कि इसके लिए विभागीय स्तर पर 1-2 समीक्षा करने के बाद आने वाले समय में यह सुविधा बहाल कर दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो यहां आने वाले मरीजों पर दवा, पंजीकरण और बेड का बोझ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा यह भी कहा गया कि IGIMS में बच्चों के लिए 125 बेड का स्पेशल केयर यूनिट भी बनाया जाएगा, जिस पर करीब 7.50 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। वहीं इसके अलावा बच्चों के लिए न्यूरी सर्जरी और क्रिटिकल केयर यूनिट को भी 20 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा और इसके साथ ही 500 क्षमता के नए ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर राजकीय समारोह में शामिल हुए सीएम नीतीश। आज बिहार की राजधानी पटना के चरखा मैदान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती को लेकर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई और नेता भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। इस दौरान जब सीएम नीतीश से एनडीए में शामिल होने को लेकर मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि क्या चर्चा होती है, इसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है, मैं तो विपक्ष को एकजुट करने में व्यस्त हूँ। वहीं इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी एक्सपर्ट ट्वीट कर उन्हें नमन करते हुए लिखा कि माँ भारत की सेवा में जीवन पर्यंत समर्पित रहे अत्युदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा, उनकी जन्म जयंती पर उन्हें मेरा सादर नमन। दरभंगा सहित देश के कई शहरों में आईटी की रेड। इनकम टैक्स विभाग की टीम, जिसमें 200 से अधिक लोग शामिल है, उनके द्वारा व्यापारियों के पशु आहार से जुड़े धंधे के दस्तावेज को खंगालने के लिए बिहार के दरभंगा सहित देश के 5 शहरों में छापेमारी की जा रही है। बता दें कि इस छापेमारी से व्यापारियों के बीच हड़कंप का माहौल पैदा हो गया है। मालूम हो कि टीम के द्वारा दरभंगा समेत अन्य जिन शहरों में छापेमारी की जा रही है, उनमें समस्तीपुर, पुणे, गुवाहाटी और कोलकाता शामिल है। इनमें से टीम के द्वारा दरभंगा में दोनार स्थित औद्योगिक क्षेत्र में एक टीम अशोक कैटल फीड में छापेमारी कर रही है, वहीं इससे जुड़े समस्तीपुर, पुणे, गुवाहाटी के ठिकानों पर भी अलग अलग टीम छापेमारी कर रही है। बता दें कि आयकर विभाग के निशाने पर दरभंगा के अशोक मंसरिया, आनंद मंसरिया और राजकुमार मंसरिया सहित समस्तीपुर के प्रकाश अनुपम शामिल है। इन सभी पर आय छुपाने का आरोप है और साथ ही बिक्री का सही हिसाब न देकर बेहिसाब आय उत्पन्न करने का आरोप है।
2000 रुपए के नोट का काउंटडाउन शुरू। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अब तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब 2000 के नोटों को बैंक में जमा करने के लिए बस 5 दिन बाकी रह गए हैं। मालूम हो कि RBI के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस कार्य को पूरा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। ऐसे में अब भी मार्केट में लोगों के पास $3 अरब यानी कि 25,000 करोड़ रुपए के 2000 पड़े हुए हैं, जिसका 30 सितंबर के बाद किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और न ही इसे बैंक में जमा किया जा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि RBI के अनुसार 2000 रुपए के नोटों का ट्रांजेक्शन के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसी को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने नोटों को वापस लेने का फैसला लिया। पुरानी पेंशन के लिए 1 अक्टूबर को दिल्ली में रैली करेंगे कर्मचारी। 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार सरकार के कर्मचारी के द्वारा पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की मांग को लेकर NMOPS बैनर तले रैली करने वाले हैं, जिसमें अन्य राज्यों के सरकारी कर्मी भी हिस्सा लेंगे। बता दें कि इस रैली की सफलता को लेकर बिहार इकाई के सदस्यों और कर्मियों के द्वारा एक बैठक भी आयोजित की गई थी और अधिक से अधिक संख्या में सरकारी कर्मियों को दिल्ली जाने के लिए प्रेरित करने पर विचार विमर्श किया गया था। मालूम हो कि इस रैली के संबंध में प्रदेश महासचिव शशिभूषण के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार से लगातार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की जा रही है और अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो दिल्ली में रैली आयोजित की जाएगी। गोपालगंज में शराब के साथ पकड़े गए 2 तस्कर। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से जीतोड़ कोशिश की जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही। उल्टा शराब तस्कर आए दिन तस्करी के लिए नए नए तरीकों का निजात करते हुए पाए जा रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेकपोस्ट का है, जहां उत्पाद विभाग के द्वारा वाहन जांच के दौरान यूपी के तरफ से गोपालगंज आ रही एक बाइक पर सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही बाइक के सीट के नीचे छिपा देसी शराब का 95 पीस टेट्रा पैक भी बरामद किया गया है। बता दें गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान 22 वर्षीय साहिल कुमार और आलोक कुमार राम के रूप में की गई है। फिलहाल टीम ने मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया और साथ ही तस्कर के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये है अनुवांशिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के प्रारंभिक लक्षण। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अनुवांशिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मुख्यतः बच्चों की बीमारी है। बता दें कि इस बीमारी में मांसपेशियों में धीरे धीरे माह दर माह साल दर साल कमजोरी पड़ती है, जिससे काम करने की क्षमता घट जाती है और फिर धीरे धीरे सांस लेने की क्षमता भी घट जाती है और मरीज की मृत्यु हो जाती है। अगर हम इसके प्रारंभिक लक्षण की बात करें तो एडी उठाकर चलना, चलते चलते अचानक गिर जाना, पिंडलियों को भारी होना, रीढ़ की हड्डी का अंदर की तरफ मुड़ना, जमीन पर बैठकर घुटनों का सहारा लेकर उठना, टांगों के ऊपरी हिस्सों के मांसपेशियों को कमजोर होना, सीढ़ियां चढ़ने में दीवार, जंगले या घुटने का सहारा लेना, कंधों का पीछे की तरफ गिरना, पेट का आगे की तरफ निकल जाना और धीरे धीरे मांसपेशियों का कमजोर पड़ते जाना शामिल है। ऐसे में अगर इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला स्वास्थ्य समिति में जिला समन्वयक RBSK से संपर्क करें अथवा शिकायत दर्ज कराने या परामर्श के लिए निःशुल्क 104 पर संपर्क करें। रो पैक्स क्रूज पर डांडिया नाइट पार्टी करने के लिए यहां करें बुकिंग। अगर आप भी पटना के गंगा में डांडिया नाइट का आनंद उठाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि 1 अक्टूबर से रो पैक्स डबल डेकर क्रूज पर डांडिया नाइट पार्टी के लिए एडवांस टिकट बुकिंग की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में जो इस क्रूज का बुक करना चाहते हैं वो गांधी घाट काउंटर पर संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि इसकी बुकिंग राज्य पर्यटन निगम के द्वारा की जाएगी। हालांकि लाइट, साउंड, नाश्ता, खाना सहित अन्य का खर्च खुद वहन करना पड़ेगा। मालूम हो कि इस क्रूज में 80 लोग सवार हो सकते हैं। वहीं एक व्यक्ति को इस क्रूज में जाने के लिए 300 रुपए देने होंगे और यदि परिवार या ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं तो प्रति घंटा 30,000, 2 घंटे के लिए 50,000, 3 घंटे के लिए 75,000, 4 घंटे के लिए 1,00,000, 6 घंटे के लिए 1.25 लाख और दिन भर यानी 8 घंटे के लिए 1,50,000 रुपए देने होंगे। केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव यहां से लड़ने का किया दावा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा यह दावा किया गया है कि वह 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कहां से लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे क्योंकि PM पद की कोई वैकेंसी खाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई और मेरे लिए यह निर्णय कैसे ले सकता है, मैं अपने लिए खुद निर्णय लूंगा। यदि कोई मेरे बारे में किसी राज्य का राज्यपाल बनने की अफवाह फैलाता है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुझे राज्यपाल का पद नहीं मिलने वाला। उन्होंने कहा कि मैं यहां हूं और आरा निर्वाचन क्षेत्र से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। इसके साथ उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर इशारा करते हुए कहा कि पहले JDU नेता के संयोजक बनाए जाने थे और अब 4-5 संयोजक बनाए जाने की बात हो रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में उतरे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज सोमवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले 9 महीने से लगातार वार्ड सचिवों के द्वारा की जा रही मांग का समर्थन करते हुए उनकी मांग को जायज बताया और जल्द से जल्द इनकी मांग को पूरा करने की मांग की। वहीं इसके अलावा इस दौरान पप्पू यादव के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जमकर तारीफ की गई और उन्हें पीएम मटेरियल बताया गया। उन्होंने सीएम नीतीश की तुलना जेपी और लोहिया से करते हुए कहा कि राजनीति में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जेपी और लोहिया के बाद जिस तरह से भारत के इतिहास को बचाने की जरूरत है, ऐसे में नीतीश कुमार की अव्वल भूमिका है। वे एक क्षेत्रीय नेता हैं और आगे भी रहेंगे, उनके नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार पीएम बनते हैं तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात कोई नहीं होगी। वीरेंद्र सहवाग ने की शुभमन गिल की आलोचना। बीते दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में शुभमन गिल के द्वारा शानदार शतक जड़ा गया। वहीं अब इस पर भारतीय टीम के पूर्व ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के द्वारा शुभमन गिल की जानकर आलोचना की गई है। बता दें कि वीरेंद्र सहवाग के द्वारा एक खेल वेबसाइट से बात करते हुए कहा गया कि वह पिछली बार चूक गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपना शतक लगाना सुनिश्चित किया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि वे अभी जिस फॉर्म में हैं, उन्हें 160 या 180 रन बनाने चाहिए थे, वह भी सिर्फ 25 साल के हैं। अगर उन्होंने आज 200 रन बनाए होते तो वह थकते भी नहीं और फील्डिंग भी कर सकते थे। 30 साल की उम्र में उन्हें यह मुश्किल लगने लगेगा क्योंकि वह इतने युवा नहीं होंगे, इसलिए अभी बड़े स्कोर करना बेहतर है। जब आप फॉर्म में हो और रन बना रहे हो तो आप अपना विकेट मत गवाएं। जब गिल आउट हुए तब 18 ओवर और बचे हुए थे, अगर वह 9-10 ओवर और खेल लेते तो अपना दोहरा शतक पूरा कर सकते थे। रोहित शर्मा ने 3 दोहरे शतक लगाए हैं। आज गिल के पास अवसर था, इस स्थान पर सहवाग नाम के खिलाड़ी ने 200 रन बनाए हैं क्योंकि यह उस तरह का मैदान है। शादी के बाद परिणीति राघव की रिसेप्शन से आई पहली तस्वीर। बीते दिन 24 सितंबर को बॉलीवुड की एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। ऐसे में अब कपल की वेडिंग रिसेप्शन की तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसमें परिणीति ने पिंक रंग की साड़ी पहनी हुई है और साथ ही पिंक रंग का चूड़ा भी पहना हुआ है। वहीं राघव चड्ढा ब्लैक टक्सीडो में बिल्कुल जेंटलमैन लग रहे हैं। वहीं अगर हम इनके वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे मेहमानों की बात करें तो सानिया मिर्जा आइवरी कलर की ड्रेस पहनी हुई नजर आ रही, तो इसके अलावा मनीष मल्होत्रा ने ब्लैक रंग का कॉस्ट्यूम पहना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन शाम 7 बजे के बाद हुए वेडिंग रिसेप्शन से परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगी है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 95.45 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.02 रुपए और डीजल 94.74 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.78 रुपए और डीजल 94.45 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.02 रुपए और डीजल कीमत 94.75 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल कीमत 94.98 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.73 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.34 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है खुशी शर्मा, गोनर शर्मा, भान प्रकाश मौर्य, गौरव कुमार, उमेश ऋषिदेव, सैलजा कुशवाहा, मोहम्मद फहीम, सदुल्लाह पलवी, रंजीत मिश्रा, मानस यादव, रवि कुमार राम, अर्जुन राम, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, रंगीला भान प्रकाश। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार सीएम नीतीश पीएम मटेरियल है या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।